अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं, तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। What the changes in India's population and the differential growth rates? This city has emerged. We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri dunya ki nazar. Assume my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Episode of Know Your Candidate. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremist. I'm still a little perplexed by why we have... Your daily dose of news from India and across the world. Cutting edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe.